अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाहर करो ये लक्ष्मण रेखा को नंगे पांव। माफ कीजिएगा बड़ी मां, नंदिनी के लिए हमें इस लक्ष्मण रेखा को पार करना ही होगा। नहीं सुमन, ये क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो गई हो? कुछ भी करने से पहले सोच तो लिया करो। और आप बड़ी मां, क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों रखी जा रही है सुमन के सामने ये शर्त? क्या जरूरत है इस लक्ष्मण रेखा की? जरूरत है बड़के बहुआ, जरूरत है। जब बड़ों के बात का मान न रखा जाए तो जरूरत पड़ता है ऐसा फैसला लेने का। बड़की बहू, ये सब बातें आराम से बैठ कर भी की जा सकती है, और जो कुछ भी तुम ये कर रही हो सब गलत। ऐसे पेश आने से क्या होगा? हमको क्षमा कर दीजिए बाबूजी, पर हमको ये कदम उठाना पड़ा और कोई चारा नहीं था बाबूजी। नंदन बुआ का तबियत अभी तक ठीक नहीं हुआ है और हम विधवा आश्रम के लिए एक बड़ा भोज का आयोजन किए हैं। ये काले चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अकेले छोटकी। बड़ी माँ, हम नहीं जानते थे कि आपने बोझ रखा है, पर ना हम कैसे जानोगी तुम? तुमको घर का कुछ शुभ होगा तो ना जानोगी ना, पर नहीं, तुमको तो बस अपने आप से मतलब है ना। बड़ी माँ, बोझ के इंतजाम के लिए हम सब है ना? मैं हूँ, आरती है, नंदिनी। हाँ, पत्नी को कॉलेज भेज के, पढ़ाई करने के लिए भेज के, घर की बेटियों से घर का काम करवाओगे बड़के बउआ? हे बड़के बउआ, इतना भी पत्नी भक्ति अच्छा नहीं है। और नंदिनी का तो पता नहीं हमको, लेकिन हमारी बिटिया, हमारी आरती देवी का नौकरानी नहीं बनेगी। ये जाएंगी चक्कर काटने कॉलेज का, और हमारी बेटिया घर में मजदूरी करेगी, ये नहीं होगा। लेकिन ये महारानी ने तो ठान रखा है ना कॉलेज जाने का बात। ठीक है, जाके दिखाओ बड़ी माँ। बड़ी माँ, क्या कर रही हैं आप? अगर ये कॉलेज गई तो हम अपने आप को जला के राख कर लेंगे। ना हम होंगे ना कोई होगा रोकने टोकने वाला। हाँ, कह देते हैं हम। दीदी, भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? दीदी, दीदी, अरे छोड़ो ना जी हमको। बड़ी माँ, क्या कर रही हैं? ऐसे में आप जल सकती थी। इतना फिकर है तुमको हमारा बड़के बउआ, तो सुन लो हमारा फैसला। जब तक नंदन बउआ ठीक नहीं हो जाती तब तक सुमन कॉलेज नहीं जाएगी। नहीं तो हम निर्जला निराहार व्रत पर बैठ जाएंगे। कह देते हैं आप। बड़ी माँ, ये तो हमारी भावनाओं का फायदा उठाकर सीधे सीधे आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं और कुछ नहीं। अच्छुमन जी, अगर बड़ी माँ नहीं चाहती कि हम कॉलेज जाएं तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे। लेकिन सुमन, अच्छुमन जी, हम इस घर की बहू हैं, सबके मन का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। प्लीज, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तुम्हारे मन में जो आए करो। खुश? अंशुमन जी,
सुनो, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, जल्दी चलो। हमें माफ कीजिएगा अंशुमन जी, लेकिन आज हमें ये फैसला लेना जरूरी था। नंदन, ये बिल्कुल सही मौका है सुमन को घर से बाहर निकालने का, यूर अंडरस्टैंडिंग? सुमन यहां से कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? जितना दर्द मेरे इस दिल ने फील किया है, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उसे झेलना पड़ेगा यहाँ इसी घर में मेरी आंखों के सामने। नंदन, नंदन, हाउ डेयर यू नंदन, क्या बदतमीजी है? कैसे सलूक कर रहे हो तुम मेरे साथ? जब सब कुछ तुम्हें खुद अकेले ही करना है तो मेरा यहाँ क्या काम है? वैसे भी मुझे यहाँ साइडकिक बनके रहने का कोई शौक नहीं है। इट्स टाइम फॉर मी टू लीव नाउ। नहीं नहीं नहीं, ताना ताना ताना, प्लीज मेरी बात सुनो। वो सुमन को अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं पागल हो जाऊं तो समझ नहीं आता मुझे कि क्या करूं। I'm really sorry, वो enough, enough is enough। प्लीज, इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो भी अब जब हम प्रॉपर डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुके हैं। I'm really sorry, वो fine, okay। बताओ अब आगे का क्या प्लान है? बस इतना समझ लो कि एक तीर से कई शिकार होंगे और सुमन का सब कुछ चेंज जाएगा। कैसे करें कुछ समझ ही नहीं पा रहे। कॉलेज नहीं जा पाए तो नंदिनी को मनाने का भी मौका नहीं मिला। अंशुमन जी भी गुस्सा होकर चले गए, वो अलग। अरे अरे अरे, सुमन क्या कर रही हो? चला ध्यान का है तुम्हारा? सुरभि माँ, हम ठीक हैं, वो बस आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर परेशान है, हमें कुछ करना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा, दीदी तो कड़वी बातें करती ही रहती है, और बात रही अंशुमन की तो वो भी तुमसे नाराज होकर ऑफिस चला गया, इसी बात से परेशान होना। दीदी का स्वभाव तो हम सब जानते हैं, पर अंशुमन के लिए तुम खाना लेके ऑफिस चले जाओ, वहां वो भी परेशान ही होगा बेटा, उसका दिन भी अच्छा नहीं गुजर रहा होगा। थोड़ी देर साथ रहोगे, बातचीत होगी तो तुम दोनों को अच्छा लगेगा। देखिए पलकों की छांव में टू, सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।